आप कांग्रेस को आप करेंगे या फिर आपके मन में कोई और राजनीतिक खिचड़ी पक रही है? नहीं, मेरा कोई खिचड़ी नहीं पकड़ी। देखिए, सबसे उतने पाइप में जितना बचा हुआ ऑक्सीजन वही है, लेकिन इस चीज को कोई सोचने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि कमीशन की बात है। यहां तो लोगों के स्वास्थ्य के साथ कमीशन खाई जाती है, जो परिस्थिति हम देख रहे हैं। तो इन सब चीजों के खिलाफ लड़ना चाहिए हमारे प्रतिनिधियों को, और लड़ेंगे तो अच्छा है। देखिए, ऊपर क्या है क्या नहीं है, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, कौन पाकिस्तान है कौन हिंदुस्तान है, वो अलग बात हो गई। इन सब चीजों से रोटी नहीं मिलने वाली, इससे नौकरी नहीं मिलने वाली, इसलिए आवश्यकता ये है। हम तब भी ये बात करते थे जब बीजेपी पे थे, आज भी हम ये बात करते हैं कि हर एक जनप्रतिनिधि को, चाहे उसकी सरकार हो या ना हो, उसको जनता की आवाज उठानी चाहिए। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं मनोज। जब भी गंभीर समस्या होता है और जनता की समस्या को लेकर के हम कई ऐसे नेताओं की, राजनीतिक दल के नेताओं की, प्रशासन के अधिकारियों के विचार आप तक पहुंचाते हैं। आज हमारे साथ एक बार फिर वैसे व्यक्ति मौजूद हैं, राजनीतिक से जुड़े हुए और सामाजिक से जुड़े हुए, कीर्ति झा आजाद, पूर्व सांसद, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद मनोज जी। कीर्ति जी, आप काफी दिन हो गए, जो जनता आपके साथ जुड़ी रही आज वो अकेला महसूस कर रही है। उसके लगता था कि कीर्ति जी उनके साथ एक पिलर की तरह खड़े हैं, उनकी समस्याओं के लेकर के, दरभंगा की समस्याओं के लेकर एक प्रखर वक्ता के रूप में आप जाने जाते थे। कीर्ति झा आजाद, कहाँ आजाद हो गए आप? नहीं, आजाद बिल्कुल दरभंगा में ही है और सदैव रहेंगे। ये तो दुर्भाग्य था कि पिछली बार हम चुनाव यहाँ से नहीं लड़े, तो अब ये समझिए कि भूतपूर्व नहीं, अब भूतपूर्व सांसद अभी भी हैं हम दरभंगा के और सदैव रहेंगे। दुर्भाग्य था कि पिछली बार नहीं रह सके, लेकिन हाँ, यह कोरोना काल के कारण से जो पिछले साल से चलता चला आ रहा है और बिल्कुल आइसोलेशन रहा, लोगों से आप अलग रहे, दूर रहे, तो बहुत खेद हुआ। और हम भी नहीं चाहते थे कि कहीं बीच में लोगों के बीच जाकर ऐसे जमघट हो और उसके कारण से यह बीमारी फैले। इसलिए बढ़िया यही था कि बेशक साल भर तक दूर रह लो, लेकिन कम से कम इसको बढ़ावा देने में, कोरोना जैसी बीमारी को कोई सहायता नहीं करो। कीर्ति जी, ये आपने अध्ययन तो कर रहे होंगे, आप भले दिल्ली में रह रहे हों या अलग लोगों से आइसोलेट रह रहे हों, लेकिन आप दरभंगा की परिस्थिति पर अध्ययन जरूर कर रहे होंगे। तो आपने विगत एक वर्षों में क्या अध्ययन किया? क्या विकास के जो सपने दिखाए गए थे जनता को, वो कहाँ तक पूरा हुआ? क्या अध्ययन किया आपने? अध्ययन क्या करना है, देखिए, अधिकतर आप देखें तो 5 या 6 विषय केंद्र सरकार के होते हैं, और जो केंद्र सरकार के विषय थे उसके अंदर हमने तो सब कुछ काम किया, चाहे वो रेलवे का डबलीकरण हो, या 42 ट्रेनों को शुरू करवानी बात हो, या A1 स्टेशन दरभंगा को बनाना हो, और वह डबलिंग भी हुई है, आप हो रही है, उसमें काम पूरा चल रहा, जल्दी खत्म होना चाहिए। एयरपोर्ट 2014 में गए, बहुत लोग आए बीच में, सफलता के बहुत सारे लोग दूल्हा बनते हैं। लेकिन आज आप देखिए, हवाई जहाज की टिकट 18,000 रुपये मिल रही है, हम 18,500 रुपये दे करके आए हैं, क्योंकि हम आगे वाले सीट लेते हैं तो उसके लिए कुछ हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। आप सोचिए, पूजा का समय है, परिस्थिति है, रामनवमी कल है, और लोगों को 18,000 रुपये टिकट के देने पड़ रहे हैं, जबकि कहा था कि हवाई चप्पल वाले आएंगे, कोई बोलने वाला नहीं। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, टोटल 3 साल पूरा हो चुका है, 2 साल तो लग गया बनाने में और वो सब लेने में, क्योंकि हमने जब बिहार सरकार से हमें ज़मीन नहीं मिली तो हमने जाके रक्षा मंत्रालय में बात करके अंदर 2.25 एकड़ ज़मीन लिया, जिसके के अंदर अभी आपका स्टेशन बना हुआ है, लोग का आगमन और प्रस्थान होता है, लेकिन कम से कम तो 50 एकड़ की ज़मीन चाहिए, तब भी कही गई थी। आपको याद होगा जब यहाँ पर आकर लोगों ने शिलान्यास किया था और किस प्रकार से हमें दरकिनार करने की कोशिश की गई थी। केंद्र का विषय है, रेल हो, हवाई जहाज हो, डिफेंस हो, यह सब केंद्र का विषय है, और उसके अंदर आप मुझे बता दीजिए कहीं पर हमसे कोई कमी रही हुई हो। अभी 1100 किलोमीटर हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई, लेकिन 1 भी किलोमीटर सड़क नहीं बना। अखबारों में केवल चले जाना और बोल देने से काम नहीं होता, आपको मिनिस्ट्री बाय मिनिस्ट्री हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट में घूमना होता है, और घूमने के बाद हमको थोड़ा ये फायदा था कि हम क्रिकेटर थे, मेरे फैन थे, मेरे हम उम्र के लोग थे, अभी भी हैं, जो कभी कुछ कहते हैं अगर ऑल इंडिया में किसी को जरूरत है या रेलवे का पड़ता है तो हम अभी भी करते हैं, और स्वेच्छा से करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि हम राजनीति में, इसलिए क्योंकि हमको प्रसन्नता होती है कि हम अपने लोगों की मदद कर सकते हैं। यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि विगत एक वर्षों से लग रहा है कि दरभंगा की जनता को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, उनके लिए प्रखर वक्ता के रूप में जो बोल सकते हैं, विपक्ष अगर मजबूत होता है तो वहां का विकास जल्दी होता है,
आप पहले बोले एयरपोर्ट पर तो उसके बाद काम हुआ, आप फिर रेलवे पर बोले तो इलेक्ट्रिफिकेशन और भी जो डबल लेन का काम हुआ, तो आप कई बार बोले हैं, तो अब क्यों खामोश है यही जनता जाना है। नहीं खामोश नहीं, क्या होता ना कि आप ऐसी चीजों को पार्लियामेंट में उठा सकते हैं, आप सभी लोगों के पास जा सकते हैं, और जब आप सांसद नहीं होते तो आपकी वह उतनी कमजोरी कम हो जाती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि काम नहीं होगा। मेरे पास यदि कोई आया है तो हमने सदैव बात को उठाया है। आप मखाना अनुसंधान केंद्र देखिए, उसके लिए हम लड़ लड़ कर लेकर के आए थे, और कृषि मंत्री उस समय नीतीश कुमार जी से हमने लड़ाई लड़ी, हमने प्रश्न पूछे, अटल जी बिहारी के पास जी के पास गए, उन्होंने कहा हाँ मखाना तो बड़ा अच्छा मिथिला का है, हमने कहा उसका अनुसंधान केंद्र होना चाहिए, और वो यहाँ पर हम लेकर के आए। मैं आपको हजारों चीज गिनवा सकता हूँ। आज रेडियो स्टेशन में क्या परिस्थिति आप सब जानते हैं, मैथिली से प्रसारण किसने शुरू करवाया, हमने कराया। जब मैथिली अष्टम सूची में आ गई तो उसका प्रसारण होना चाहिए। हमने बिहार सरकार में लिख करके भेजा कि आपकी अपनी भाषा कोई नहीं है, आप मिथिला को बिहार का भाग मानते हैं, और जब यहाँ के मिथिला को अष्टम सूची में स्थान मिला है तो फिर मैथिली को क्यों नहीं राज्यभाषा मिलनी चाहिए? कितने लोगों ने किया, कोई लड़ा नहीं, लड़ा। लेकिन अटल जी से बात करके, स्वर्गीय ताराकांत झा जी थे, उन्होंने तो बहुत बड़ा मुहिम इसको चलाया था, और उस मुहिम को साकार करने के लिए हम पार्लियामेंट में खड़े थे, और जितने भी मिथिला के लोग थे हमारे सांसद उन सबों के साथ मिलकर मैथिली को अष्टम सूची में स्थान दिलाया था। तो उसके लिए कार्य करने का तरीका होता है। हम ऐसे ही बैठे रहें, पान चबाते रहें, या बीड़ी पीते रहें, या कुछ करते रहें, उससे नहीं होने वाला है। आपको घूम करके काम करना पड़ेगा यदि आपको कराना है। कृति जी, एक चुनाव के समय जब आप अलग थे तो आपको लगा कि भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाने के बाद आपको बहुत जन समर्थन मिला। हम देखे कि जो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, खासकर जो मुस्लिम आबादी थी, उनको भी आप पर भरोसा हो गया था और एक नया माहौल तैयार हो गया था कृति झा आजाद के पक्ष में। ये अलग बात के टिकट नहीं मिल पाई, लेकिन उन लोगों की भावना कृति झा आजाद के साथ कल था और आज भी है। वो आपको एक वक्ता और आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते हैं जो मिथिला के विकास के लिए प्रयत्नशील है और कार्य कर सकते हैं, और अपनी निगाहें रख करके जहां कमीशन खोरी हो, जहां भ्रष्टाचार हो, उसके खिलाफ बोलने वाला कृति आजाद है। वो क्यों? नहीं, बड़ी सीधी सी बात है। देखिए, मेरा घर वह किसी राजनीति के कमीशन से नहीं चलता। जो सांसद है तो मेरा घर चलेगा। माँ भगवती कृपा से काफी कुछ मिला, क्रिकेट खेले हम लोग, तो सिनेमा जो विश्व कप 83 जीते, वो भी पिछले साल 11 अप्रैल को रिलीज होना था, इस साल 4 जून को होना था, फिर वह विलंब हो गया। वो इसलिए क्योंकि कोरोना की दूसरी जो मार आ गई है उसके कारण से यह हुआ है। तो हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ये एक बताते हैं कि जब हम बीजेपी में भी थे तो किसी समुदाय का आदमी हो, या हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कहीं का हो, यह मिर्जापुर में ही आप गुरुद्वारा है वहां पर हम जाते रहे। हम तो पंजाबी ही बोलते हैं, दिल्ली में रहे तो उनके साथ हम पंजाबी में बात करते हैं, बैठ करके लंगर भी खाए हुए हैं। तो एक खिलाड़ी, किसी जात या मजहब का नहीं होता। हाँ, आप एक किसी पार्टी में हैं तो उसकी विचारधारा है, आप विचारधारा से सहमत हैं तो आप जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसका कि आप सहमति नहीं देते हैं, और हमने उसको प्रखर रूप से कहा। आपने कहा विपक्ष में थे, मैं जब यहां सांसद था तो विपक्ष में नहीं था, एनडीए की सरकार थी। 2009 में सिर्फ एक साल विपक्ष में था, 2010 में फिर नीतीश कुमार जी आए तो हमारी सरकार आई, 2015 में वो 15-16 महीने थे जब आरजेडी और जदयू था, तो हम तो पूरे सरकार में थे उस समय। लेकिन आपको याद होगा नीतीश कुमार जी यहाँ आए थे, और जिस समय हमने शहर की बात करनी शुरू की थी तो उन्होंने हमको दूसरी तीसरी बार उस मीटिंग में दबाड़ दिया था। तब हमने उनसे कहा था, और हमारी नोकझोंक भी, बाताबाती हुई, उनको यहां से भागना पड़ा और जाना पड़ा। तो लोगों के लिए किया था मैंने, कोई मेरा व्यक्तिगत उसमें स्वार्थ था क्या? अगर यहां पर जल जमाव शहर में होता है तो उस जल जमाव की बात को उठाना, हालांकि वह है राज्य का विषय, लेकिन एक सांसद होने के नाते अगर बुलाया गया और अगर मेरा वहां का प्रतिनिधि यहां का नहीं उठा रहा हो तो यह मेरा दायित्व है कि मैं उसको उठाऊं। तो चमचाई नहीं करना, चमचाई हम उनका करेंगे जिन्होंने हमको वोट देकर के यहां बैठाया है, उनकी सेवा के लिए, उनके चमचाई के लिए है। हम ऊपर बैठे हुए ये डीएम एसपी या मुख्यमंत्री या मंत्री के लिए नहीं है हम चमचाई करने वाले। जिसने जिताया है वो मेरा जनता जनार्दन है, वो भगवान है मेरे लिए, और उसके लिए हमको काम करना था। हमने वो बात उठाई, उसमें बच्चक भी। अब आप मुझे देखिए, तब से लेकर आज तक क्या अभी तक किसी ने उठाया है कि जितने भी पानी आपके बाढ़ के पानी और गंदा पानी को निकालने के लिए जितने भी नाले हैं सबके पर अतिक्रमण है। आज उप मुख्यमंत्री जो नगर विकास के मंत्री, उन्होंने कहा है कि 30 तारीख तक ये सब अतिक्रमण को हराना और नाला साफ करना है। आप भी यही है,
मैं भी यही हूँ। आपका इतना जबरदस्त चैनल आप कर रहे हैं, मैं तो सबसे पहले आपको ये मिथिला मंच को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और आपको देता हूँ और आपकी पूरी टीम को कि आप दरभंगा से लेकर पटना तक जा रहे हैं और जाकर के आप इन विषयों को उठा रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, आपको उठाना चाहिए। विशेष करके दरभंगा का मिथिला का कोई आदमी जाए और पटना पाटलिपुत्र में जाकर के मगध में वहां जाकर के बात को उठा सके, इससे मजेदार बात और क्या हो सकती है। तो आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं ये चीज पूछिएगा आप जरूर कि ये पानी का निकासी बाढ़ आपको मालूम है क्या होती है? आप तो खुद ही रहे भुक्तभोगी हम लोग सबको। 2009 में जब हैदराबाद में हुआ नगर विकास का कार्यक्रम तो उसमें तो तय हो चुका था, क्यों नहीं अभी तक मास्टर प्लान बन करके तैयार हुआ और उसके अंदर ये पानी के निकासी के लिए बात हुई? और आज भी अगर अतिक्रमण हटा दें और कुछ नालों को जोड़ दें तो बहुत कुछ भार जो इस जल जमाव का होता है वो कम हो सकता है। दोनार का हाल देख लीजिए जो वहां से निकल रही है, दोनार गुमटी से, आप लहरिया सराय गुमटी से देख लीजिए, सब जगह अतिक्रमण हुआ हुआ है। उन लोगों को विस्थापित अच्छी जगह पर करके जो लोग वहां पर रह रहे हैं उसको साफ करके पानी का निजात करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? काम कोई नहीं करेगा, समस्या ये है। और यही बात हमारी तब नीतीश कुमार जी से हुई थी, यह बात कब की है? जब वो समीक्षा यात्रा में आए थे 2012 के अंदर आए थे, 11-12 में, ये तब की बात है। और फिर हमसे लोगों ने कहा था कि गठबंधन टूट जाएगा, तो हमने कहा था टूट जाएगा तो टूट जाए, लेकिन जो सच्चाई है वो सामने की जाएगी। और आपको याद होगा तब हम वहां रहते थे दरहार में, मतलब आप लोग आते थे और छत पर हम लोग खाना खाते थे, याद है ना, और खुद हम बना के खिलाते थे। अच्छा एक चीज था कि आपने इन सब बातों को जनता तक तो आज पहुंचा रहे हैं, नहीं शुरू से जनता को मालूम है, अभी की समस्या में। अब जनता ये चाहती है इन्हीं सब मुद्दों के लिए कोई हमारे साथ खड़ा होने वाला रहे ताकि पीछे होने के भी, तो कोरोना संक्रमण का काल है। आप जब कांग्रेस में आए थे उसी समय से वार्ड स्तर पर आपने अध्यक्ष बनाना प्रारंभ कर दिया जो कि पहले उतना नहीं एक्टिव थे लोग, और लग रहा था कि आपके आ जाने के बाद कांग्रेस एक मजबूत रूप से उभरेगा। बिहार स्तर पर आपको प्रोजेक्ट किया जा रहा था, लोग कह रहे थे प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, आपको लग रहा था कि पूरे बिहार में आपके हाथों कमान जाएगी जो एक नया स्वरूप बनेगा। तो इसमें क्या हो रहा है और इसको कैसे आप कांग्रेस को आप करेंगे, या फिर आपके मन में कोई और राजनीतिक खिचड़ी पक रही है? नहीं, मेरा कोई खिचड़ी नहीं पकड़ी। देखिये, सबसे पहली बात तो ये है कि हम दरभंगा में आए, दरभंगा जिले में ही मधुबनी पड़ता था, वहीं धनौजा गांव है, उच्चैठ भगवती का मंदिर है जहां मेरे पुरखे जो थे वो प्रधान ज्योतिषाचार्य थे, और गंगा के दक्षिण में काम को ढूंढते हुए एक खाड़ जो है परिवार का वो वहां चला गया। तो मेरे लिए दरभंगा कोई मेरा ससुराल नहीं, मेरा घर ही है, क्योंकि मधुबनी तब तो इसी में था, मधुबनी झंझारपुर समस्तीपुर एक दरभंगा ही जिला कहलाता था, वो अलग हुआ, तो मेरे लिए यह घर है। और अगर कोई काम करते हैं तो इस दृष्टि से नहीं करते कि हम किसी राजनीतिक पार्टी में, क्योंकि जिस समय हम बीजेपी में थे तब तो हम खुद खड़े होकर के अपने मुख्यमंत्री से लड़े थे, हमारे मंत्री यहां आते थे या दूसरे आते थे उनसे लड़े थे। ये सुशील मोदी अच्छा हुआ कि इससे पीछा छूटा है कि ये वहां पार्लियामेंट में चला गया, नहीं तो उसने तो बर्बाद करके रखा था। जब पिछले साल कोरोना था तो उसने कहा हम तो बस ही नहीं दे सकते, हम तो बड़ा गरीब है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम बड़ा विकास कर रहे हैं, एक तरफ कहते हैं हम बहुत विकास कर रहे हैं, अरबों रुपए हमने खर्चा किया, मेरा बजट इतना बढ़ गया है, और दूसरी तरफ आपके पास बस नहीं है कि आप हमारे गरीब मजदूरों को बाहर से ले आए, आपने ट्रेन नहीं चलने दी यहां पर क्योंकि आप नहीं देख उसको उस चीज को देख पाए। आज कोरोना की परिस्थिति आप देखिए, कोरोना की क्या परिस्थिति, जो पहले बिस्तर नहीं थे वो आज बिस्तर नहीं है, जो पहले वेंटिलेटर नहीं था वो आज वेंटिलेटर नहीं है, जो पहले ऑक्सीजन नहीं था वो आज ऑक्सीजन नहीं है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, 5 दिन पहले 35 था, 5 दिन बाद 70 हो गया है, और अगले 5 दिन में डबल होकर 140 होगा, लेकिन आपने 125 बेड रखे। और डीएम का हमने सुना, हम तो काफी समझदार और अच्छा सुलझे हुए डीएम समझते हैं, इनको ये कह रहे हैं कि चिन्हित करिए, चिन्हित क्या करना है, चिन्हित हुआ हुआ है, ऑक्सीजन की कमी है, आप इंडिविजुअल सिलेंडर रखे हैं, लोगों को कमीशन मिलता है, उसमें बर्बादी 30% होती है, यही अगर आप सारे सिलेंडर एक साथ पाइपलाइन उसका बना देंगे तो इस आदमी ने वहां ऑन किया, इस्तेमाल हुआ, बंद कर दिया, तो उतने पाइप में जितना बचा वो ऑक्सीजन वही है, लेकिन इस चीज को कोई सोचने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि कमीशन की बात है, यहां तो लोगों के स्वास्थ्य के साथ कमीशन खाई जाती है जो परिस्थिति हम देख रहे हैं। तो इन सब चीजों के खिलाफ लड़ना चाहिए हमारे प्रतिनिधियों को, और लड़ेंगे तो अच्छा है। देखिए, ऊपर क्या है क्या नहीं है, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, कौन पाकिस्तान है कौन हिंदुस्तान है, वो अलग बात हो गई। इन सब चीजों से रोटी नहीं मिलने वाली, इससे नौकरी नहीं मिलने वाली, इसलिए आवश्यकता ये है। हम तब भी ये बात करते थे जब बीजेपी पे थे, आज भी हम ये बात करते हैं कि हर एक जनप्रतिनिधि को, चाहे उसकी सरकार हो या ना हो, उसको जनता की आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि उसी विश्वास के साथ उसको उसके पार्लियामेंट में या विधानसभा में या पंचायत में बिठाया है। जैसे आपने ये सब बातें कही हैं,
लोगों को आज चेक किया, क्या डीएमसीएच के, जैसे कि आप जानते हैं कि आइसोलेशन में 120 बेड बचे हैं, सर्जरी, पहले जो आइसोलेशन था उसमें 400 साढ़े 400 बेड थे, अब उसमें सर्जरी शिफ्ट कर दिया गया है तो एक ही बचा हुआ है। आप ऑक्सीजन की बात कही दिए हैं, अभी तक जो आईसीयू है मात्र 6 आईसीयू है, एक रिजर्व है और लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, 4 वेटिंग में अगर उन्हें नहीं मिला तो मर सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? आपको मालूम है कि यह जो दूसरा कोरोना आया है ये बड़ा खतरनाक है और यह 45 साल के कम आयु वालों को पकड़ रहा है और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि 45 से नीचे वाले ही हैं जो बाहर जाके काम कर रहे हैं या यहां काम कर रहे हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को देखते हैं, पत्नी को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, पूरा भार उसके ऊपर है। ऐसी परिस्थिति में अगर किसी एक को भी संक्रमित हो गया और उसको उपचार नहीं मिल सका तो उसका तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा और उसके लिए केवल 6 ही आईसीयू में बैठे और एक ही रिजर्व है। कोरोना के अंदर बहुत जबरदस्त आईसीयू की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि कोरोना क्या होता है, आपके फेफड़ों में घुसता है, आपको सांस लेने में समस्या होती है, आपको देखने में अंधकार सा लगता है, खांसी यहां सूख जाता है, बुरा हाल होता है और ये सेकंड जो आया है दूसरा वाला ये तो और खतरनाक है। सरकार ने तो प्राइवेट अस्पताल को खोल दिया, 50% 25,000 रुपया प्रत्येक दिन लिया जा रहा है जो निजी अस्पताल है, आप सोचिए देगा, आप सोचिए क्या नियंत्रण किया गया, नहीं किया गया, डीएमसीएच को उस मुताबिक बनाया गया, नहीं बनाया गया। ऑल इंडिया 2014 में हमने अप्रूव कराया था, क्या वो आज तक यहां पर न पाया, एक ट्रेलर मिट्टी भी पड़ा, नहीं पड़ा, कौन करेगा? हम तो कम से कम इसको बोलना पड़ेगा ना, ये अधिकारी बैठा दिए, अच्छा तो आपका क्या कब से काम शुरू होने वाला है, क्या होना, नहीं होगा, आप बोलिए कि काम यहां पर नहीं होगा तो हम पार्लियामेंट के बाहर धरने पर बैठेंगे, हम असेंबली के बाहर धरने पर बैठेंगे। अरे आप बोलिएगा, आपकी आवाज, जब तक बच्चा जब तक रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। हमें याद है जिस समय बिहार और खासकर दरभंगा को बिजली नहीं मिल रही थी और आपने पूरा वहां विरोध किया था, आप पर केस दर्ज हुए थे, वो भी हमें याद है। उस समय भी हमसे ये 2003 या 2004 का मामला था तो उस समय हमने देखा था कि सर सर्किट हाउस में आपको नज़रबंद किया गया था, दूसरे दिन छुड़ादही आपको रिलीज किया गया, फिर आपके आवास पर छुड़ादही हम लोगों ने खाया था, मकर संक्रांति उस तरह का कृति आजाद को लोग ढूंढ रहे हैं, जो जिस तरह बिजली पर आपने आंदोलन करके एक नया माहौल क्रिएट किया उस कृति आजाद को लोग ढूंढ रहे हैं, वो कृति आजाद आखिर छुप कहाँ गया है, क्यों नहीं बाहर आ रहा है यहाँ की समस्याओं के लिए, जो चप्पल पहन के हवाई जहाज का यात्री सफर करे, जो एम्स के निर्माण के लिए, जो आपने सुपर हॉस्पिटल की बात की थी वो आज भी नहीं बन पाया है, तो सपने दिखा करके वो कृति आजाद कहाँ छुप गया जो उनकी आवाज के लिए उनके साथ खड़े रहे ताकि दरभंगा का विकास हो सके। देखिए हम योजनाएं तो सब लेकर आए, योजना लेकर आए, उसके बाद जमीन किसने देनी है, राज्य सरकार ने देनी है और जब राज्य सरकार को देनी है तो यहां के दरभंगा जिला के जो प्रतिनिधि हैं, फायदा तो एयरपोर्ट को तो कहा जाए तो मिथिलांचल के जो गंगा के ऊपर 25 जिले हैं सबको हो रहा है, यहां तक कि नेपाल के लोगों को भी हो रहा है, तो कम से कम यहां के लोगों को, यहां के विधायकों को एक साथ मिल करके आवाज तो उठानी चाहिए कि भाई यहां जमीन दीजिए ना, सिविल इंक्लेव बनेगा, उठाता है कोई नहीं उठाता, उसको डर लगता है क्योंकि जो डर गया सो मर गया, वो आवाज उठानी चाहिए ना, हम तो उठाएंगे, हम तो आपको बोले कोरोना काल के कारण से हम फंसे पड़े हैं, लेकिन क्या सरकारी काम रुक सकते हैं, नहीं रुक सकते, क्या ये डीएम ऑफिस बंद हो जाएगा, क्या कोरोना है इसलिए हवाई जहाज बंद होगा, हाँ अगर लॉकडाउन पूरे देश में हो गया फिर तो सब कुछ बंद हो जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में जब तक प्रतिनिधि उसको आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कैसे होगा, और हम तो बैठने वाले थे ये पुलों के ऊपर कब से, 2012 में हमने इसका शिलान्यास किया था, याद होगा कि वो दोनार गुमटी के साथ में हम लोगों ने 50 फीट तक नीचे उसको खुदाई करवाया था, मनोज सिन्हा साहब आए थे रेलवे मिनिस्टर और उस समय समय हुआ था, लेकिन जमीनें बिहार सरकार नहीं दे रही थी, तो उसके धरने पर भी हम बैठने के लिए तैयार थे कि हम धरना पर बैठेंगे और कम से कम लोगों को पता तो लगे कि क्या हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी है, अभी सुनने में आया है कि सब काम होगा तो पिछले साल से सुन रहे हैं काम होगा, इसलिए अगर स्थिति ठीक हो जाएगी तो हम वहां धरने पर भी बैठेंगे और कम से कम दोनार गुमटी पर एक बार पुल बन जाए जिसका पैसा हमने दिलवा दिया था, जितने गुमटी हैं सबका पैसा दिलवा दिया, 31 गुमटी था, अब सिर्फ केवल यह है कि जो बैठे हुए हैं प्रतिनिधि उसको पूरा कराएं। तो कृति आजाद जी हैं और हम बता दें कि जो एक प्रखर वक्ता के रूप में जब ये बोलते हैं तो कभी कभी आग भी उगलते हैं, ये आग शायद उन लोगों के कानों में बुरा लगता है जो लोग जनता को सपने तो दिखाते हैं लेकिन कई मायने में पिछड़ जाते हैं।
ऐसी परिस्थिति में कीर्ति झा आजाद का अगला मिशन क्या होगा? अभी आप दरभंगा में हैं, क्या अगला मिशन होगा आपका जनता के लिए? देखिए, काम चलते रहेंगे, उनकी लड़ाई होती रहेगी। अभी आपको मालूम है कि आजकल लगन का समय है, तो कहीं उपनयन कार्यक्रम हो रहा है, कहीं पर विवाह हो रहा है, बहुत जगहों पर वैसा भी है जहाँ भोज एकादशा द्वादशा हो रहा है। तो यह समय होता है जो अधिकतर लगन का समय होता है, तो ऐसे में आपका परिचय होता है। अब तो लोगों को सिर्फ 50 लोगों को कर दिया गया है कि उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, अन्यथा जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो 500,000 लोग रहते हैं, आसपास का इलाके के लोग आते हैं, सबसे भेंट मुलाकात होती है, और आप जाके वर वधू को भी अपनी ओर से आशीर्वाद देते हैं। जो नया बरुआ होता है, बच्चा जो जिसका उपनयन होना है, उसमें भी जाकर के आप उसको आशीर्वाद ही देते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो यह चलता रहता है। लेकिन अभी फिर वही कोरोना वाला करके जो आपका फिर से लग गया है लॉकडाउन, जो ठीक ही है, होना भी चाहिए बचाव के लिए, वो 9 बजे से 5 बजे तक लगा है, तो अब तो प्रयास यही रहेगा कि 3 बजे ही चलो, शादी ब्याह तो शाम को होता है, तो 3 बजे से ही जा करके 6:30-7 बजे तक किया, और फिर नियमों का पालन करते हुए 8:30 बजे तक घर वापस आ जाएं, जिससे कि लॉकडाउन में नहीं फंसे। क्योंकि अगर हम जनप्रतिनिधि ही कानून तोड़ेंगे तो फिर आगे लोगों को क्या कहेंगे, तो हम बता दें लगातार दिखाएंगे। लेकिन हम एक बार तमाम उन नेताओं से पूछेंगे, दरभंगा में कई ऐसे नेता हैं जिनका अपना दबदबा है, जिनका अपना सोच है, जिससे मिथिलांचल की जनता को ज्यादा फायदा पहुंच सकता है। हम सभी राजनीतिक दल में हैं, चाहे राजद में भोला यादव हो, चाहे आपको मदन मोहन झा हो, चाहे संजय झा हो, चाहे अब जो फातमी जी हो, अली असरफ फातमी जी हो, गोपाल जी ठाकुर हो, या फिर प्रमुख वक्ता के रूप में अभी कीर्ति झा आजाद जी हो, इन सबों के रहते अगर मिथिलांचल की जनता किसी चीज से अगर वंचित हो जाती है तो मिथिलांचल का दुर्भाग्य कहा जाएगा, चाहे जो पक्ष में हो या जो विपक्ष में हो। अब सबके कंधे पर जिम्मेवारी है, यहाँ के हजारों मरीजों को अभी इलाज के लिए डीएमसीएच को मजबूत करने का, बेड का, ऑक्सीजन का, आइसोलेशन का, आईसीयू का, वेंटिलेटर का, इस सब के लिए कौन कितना करता है, हम लगातार आपको दिखाएंगे। अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे आप? अंतिम संदेश यही कि क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय है, कोरोना काल है, ऐसे में व्यक्तिगत रूप से ही एहतियात करना बहुत जरूरी है। अगर आप कहेंगे अरे कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको नहीं होगा, तो हो सकता है, और अगर एक को होता है तो उससे पहले वाले जो था कोरोना का, जो पिछले साल आया था, उससे 10 आदमी संक्रमित होते थे, लेकिन अभी वाला जो दूसरा आया है उसमें 1 आदमी से 20 आदमी संक्रमित होते हैं, और वो 20, सोचिए, हर एक 20 आदमी आगे 20 आदमी करते हैं, 400 आदमी को आप संक्रमित करते हैं सिर्फ 1 सप्ताह के अंदर। इसलिए अनुरोध होगा कि थोड़ा बहुत मन मारना पड़े ना, मार लीजिए, लेकिन इसको बढ़ने मत दीजिए। हम लोग को एक साथ मिलकर के करना होगा। ऑक्सीजन की कमी है, भगवान न करे हम में से किसी को हो जाए और वह ऑक्सीजन न मिले, तो फिर आपके परिवार को कौन देखेगा। इसलिए मेरा यही कहना है कि मन मार के ही आप घर में रहिए, ऐसा कुछ मत करिए जिससे कि संक्रमित होने की संभावना बढ़े, इतना ही कह सकता हूं। बाकी तो भगवती की मर्जी है, जिसको होना है वो हो ही जाएगा, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो गया तो अपने आप को एकदम अलग करके रखिए। भाप जरूर लीजिए, ये भाप आपके नाक के नस के अंदर तक जाता है, कोरोना वहीं पर से फंसता है, आपके फेफड़ों में जाता है वहां से, जब आप सांस लेते हैं तो इसलिए आवश्यक है भाप लीजिए, उसमें थोड़ा सा विक्स डालिए, वलेसान ऑयल डालिए, या फिर अगर कोई बहुत पेड़ होता है, इधर खुशबू वाला होता है, उस सबको डालिए और उसका भाप लीजिए। भाप लेने से आपके अंदर तक जाएगा, और सुबह शाम लीजिए, ये बहुत अच्छा उपाय है। हम यही करते हैं, हम कच्चा हल्दी खाते हैं, हम धात्री लेते हैं, धात्री का जूस पीते हैं और गुरीच का जूस पीते हैं, ये सब आपकी इम्यूनिटी के लिए और कोरोना को दूर रखने के लिए काफी कारगर है। बाकी होना है किसी को, भगवती ना करे ऐसा, तो हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद हमारे साथ कीर्ति झा आजाद, आज कई अहम मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं, आगे भी चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि हमें जनता की आवाज, जनता की समस्याओं को नेताओं तक पहुंचाना है और उनकी आवाज को जनता तक, ताकि हमारा मिथिलांचल का विकास हो सके, चप्पल वाले भी एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर सके, बहुत बीमार दिल्ली ना जाकर दरभंगा में एम्स बने तो इसका इलाज हो, सुपर हॉस्पिटल का इलाज हो। अभी इन सड़क पर फ्लाईओवर बनने हैं, उस फ्लाईओवर पर जो जाम की समस्या उससे निजात हो, सड़क जो टाउनशिप बनना है नया उसका विचार हो, इस पर हम तमाम बात आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। तो देखते रहिए यूट्यूब में भी, सब्सक्राइब करें हर अपडेट खबर।